हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुरु क्लासेस पे और फिनिशर CSNIT पे। जैसा कि आपको पता है, मॉक टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पे। और अगर उस मॉक टेस्ट सीरीज को आपको 50% अगर ऑफ चाहिए, या आप चाहते हैं कि 199 की जगह पे वो आपको 99 में मिल जाए, तो आप एक कूपन कोड अप्लाई कर देना वहाँ पे VIR, कैपिटल में VIR _50 कूपन कोड अप्लाई कर देना, वो टेस्ट सीरीज आपको 99 में मिल जाएगी। और आज जो सॉल्यूशन कर रहे हैं, ये हम मॉक टेस्ट नंबर 10 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। और इस 10 में कंप्यूटर के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। ये क्वेश्चंस वैसे भी आपको एग्जाम ओरिएंटेड हैं और HSSC के पैटर्न को देखते हुए ही डिज़ाइन किए हैं मैंने। तो इन क्वेश्चंस में आपको और जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बताता हूँ उनको प्लीज़ आप अपने नोट्स में नोट डाउन जरूर किया कीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में वो चीज़ें काम आए। ठीक है, चलो तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है द डिज़ाइन ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? IP, कि जो हमारा IP है, मैंने बताया था इंटरनेट प्रोटोकॉल IP, एक IP एड्रेस भी होता है आपका, जो हर डिवाइस का अलग अलग होता है, जिसमें IP वर्जन 4, IP वर्जन 6 था। और प्रोटोकॉल जो होता है इसको कहते हैं हम सेट ऑफ रूल्स। सीधा क्वेश्चन पूछा गया था HSSC में कि इंटरनेट के ऊपर रूल्स का जो सेट बनाया गया है उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, और ये जो ऑफर है ये स्पेशल फिनिशर CSNIT के स्टूडेंट्स के लिए ऑफर है, और ये न्यू ईयर स्पेशल ऑफर है। ठीक है, इसलिए ये किया गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है जिन स्टूडेंट्स ने पहले लिया था उनके साथ कुछ अलग से भेदभाव हो रहा है या ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि जब आपने लिया था तब कोई न्यू ईयर वगैरह था नहीं, तो इसलिए किया गया है। तो रूल्स का एक सेट है जिसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। और इंटरनेट के ऊपर जब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फाइल का ट्रांसफर करते हैं, तो उस फाइल को यहाँ से यहाँ जाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। उन्हीं नियमों के संग्रह को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। तो उस प्रोटोकॉल को बनाया गया था किस सिद्धांत पे बनाया गया था? जब उस प्रोटोकॉल को बनाया गया होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल को, तो जो सिद्धांत होगा या जिस चीज को उन्होंने सोचा होगा कि क्या ऐसा होना चाहिए, कि क्यों बनाया जाना चाहिए, किसके लिए, किस बेसिस पे, किस प्रिंसिपल पे इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट्स, मतलब इसका जो पूरा का पूरा सेट है उसको बनाया गया था। डेटा करप्शन के लिए, कनेक्शन ओरिएंटेड के लिए बनाया गया था, कि भाई अगर एक सिस्टम है, ये दूसरा सिस्टम है, और ये दोनों सिस्टम किसी नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं, तो इनका कनेक्शन बिल्कुल ठीक रहे, क्या वो प्रिंसिपल हो सकता है। डेटा तो मतलब डेटा तो नहीं आना चाहिए यहाँ पे, डेटा बनाया गया होगा, एंड प्रिंसिपल टू एंड प्रिंसिपल भी हो सकता है, और एंड टू एंड इंक्रिप्शन भी। एंड का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह जो ये दोनों है, एक एंड ये है, एक एंड ये है, और इन दोनों के बीच में जो भी फाइल शेयरिंग होगी, जो भी चीजें होंगी, उसके लिए बनाया गया होगा, या फिर रिलायबिलिटी के लिए बनाया गया होगा, कि जो भी चीजें हैं वो फास्ट काम करे, अच्छे से काम करे, उसके लिए बनाया गया होगा। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो मतलब है, प्रिंसिपल जिसके ऊपर इसको बनाया गया था, वो बनाया गया था एंड टू एंड इंक्रिप्शन के लिए, या एंड टू एंड चीज़ें जो हैं, जैसे यहाँ पे बताया मैंने कि एक जो फाइल होती है, अगर उसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना है तो उसको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, और उन्हीं नियमों को हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल किस प्रिंसिपल पर बनाया गया था? एंड टू एंड इंक्रिप्शन, एंड टू एंड के प्रिंसिपल के ऊपर इसको बनाया गया था। ठीक है, चलो चलो भाई, टाइम वेस्ट नहीं करते ज्यादा और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है द प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, या फिर जिसको हम इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, किसी भी पर्सनल कंप्यूटर PC की, उसके अंदर क्या क्या मेमोरी के अंदर क्या होता है? सिर्फ एम रोम ओनली, सिर्फ रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी,
रैम और रोम दोनों होती हैं या फिर कैशे मेमोरी। तो मेन मेमोरी जिसको हम प्राइमरी मेमोरी या फिर जिसको हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं किसी भी पर्सनल कंप्यूटर की, वो किस किस से मिलके बनी होती है। उसमें रैम होती है सिर्फ, रोम होती है सिर्फ, रैम और रोम दोनों होती हैं या कैशे मेमोरी होती है। कौन कौन सी मेमोरीज जो होती हैं हमारे पास, जो हमारी मेन मेमोरी के अंदर होती हैं। ओनली रैम, रोम, रैम और रोम दोनों, या फिर कैशे मेमोरी। आवाज यहां से तो ठीक है भाई। तो हमारी जो मेन मेमोरी होती है उसके बारे में बता देता हूं मैं एक बार। ठीक है, और ये कल दोपहर 2 बजे से आपकी मैराथन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, उस क्लास को जरूर ज्वाइन कर लेना बेहतर तैयारी करने के लिए। तो या तो हम कहते हैं जिसको मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, या फिर हम कहते हैं इसको प्राइमरी मेमोरी। इसमें मुख्य दो चीजें होती हैं, एक आपकी रैम होती है और एक आपकी रोम होती है। ये दोनों ही हमारी मेन मेमोरी के अंदर आती हैं। रैम के बारे में क्वेश्चन आता है कि ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, और रोम जो होती है ये हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है। मतलब कि अगर कंप्यूटर ऑफ हो गया तो डेटा जो है हमारा वो लॉस हो जाएगा, और इसके अंदर डेटा जो है वो हमारा स्टोर रहता है, डिलीट नहीं होता है। ठीक है, रैम हमारे पास फिर दो तरीके की, एक रैम होती है इंपॉर्टेंट, हमारे पास एक एस रैम होती है, एक डी रैम होती है, और एक हमारे पास वी रैम भी होती है, जो अब की बार HSSC ने पूछ ली। वैसे तो हम हमेशा दो ही पढ़ते थे, लेकिन अब की बार HSSC ने एक वी रैम के बारे में और पूछ लिया कि ऐसी मेमोरी का नाम बताइए जो हमारा जो मॉनिटर होता है या हमारा जो स्क्रीन होती है जिसके ऊपर हमें पिक्चर या वीडियोस वगैरह जो दिखती हैं उसके पीछे कौन सी मेमोरी रिस्पॉन्सिबल होती है, ये सवाल पूछा गया था। तो उसके लिए होती है वी रैम, जिसकी फुल फॉर्म होती है वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी, या फिर वी रैम जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो एक ये और ऐड कर लेना, एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैम और डी रैम का मतलब होता है डायनामिक रैम। और उसके बाद हमारे पास एक रोम होता है, रोम को हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, जो वोलेटाइल होती है। इसमें हमारे पास एक पी रोम होती है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक ईपी रोम होती है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और यही मुख्य थे इसमें से, इतने ज़्यादा इससे ज़्यादा गहराई से सवाल जो है वो आपके मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी से नहीं आते हैं। फिर आगे जो सवाल आते हैं वो फिर आपके इधर वर्चुअल मेमोरी से सवाल आ जाते हैं, जो कि हम अभी लगातार जब मैराथन क्लासेस होंगी उसमें डिटेल से ये सारे टॉपिक्स हम करने वाले हैं। तो आपको इस बारे से नहीं घबराना है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, कंप्यूटर में या बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपका नंबर अब नहीं कटेगा। अब की बार बहुत बढ़िया पेपर जाने वाला है सबका। तो याद रखना, जो प्राइमरी मेमोरी होती है या जिसको हम मेन मेमोरी कहते हैं या इंटरनल मेमोरी, उसमें रैम और रोम दोनों ही मेमोरीज जो हैं वो इंक्लूडेड होती। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। बूट सेक्टर वायरस, बूट सेक्टर की जो फाइल्स होती हैं सिस्टम की, वो स्टोर होती हैं इन विच कंप्यूटर मेमोरी, कौन सी कंप्यूटर मेमोरी में वो स्टोर होती हैं बूट सेक्टर की फाइल। क्या वो रैम में स्टोर होती हैं, क्या वो कैशे मेमोरी में स्टोर होती हैं, क्या वो रोम में स्टोर होती हैं, या वो रजिस्टर में स्टोर होती हैं। तो बूट सेक्टर फाइल्स कहाँ पे स्टोर होती हैं, कहाँ पे स्टोर होती है। देखो होता क्या है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ये है आपके घर का बिजली का बोर्ड जिसके अंदर आपने वायर लगाई हुई है, और ये वायर आई हुई है आपके कैबिनेट में, आपका कैबिनेट सिस्टम यूनिट, इससे आपकी वायर जुड़ी हुई।
आपके मॉनिटर में गई हुई है, और इधर एक वायर जो है वो कीबोर्ड के साथ लगी हुई है, वायर जो है वो माउस के साथ लगी हुई है। इधर पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ, है इलेक्ट्रिसिटी आई, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हमारे कंप्यूटर के अंदर आए और कंप्यूटर के अंदर काम होना स्टार्ट हुआ। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हमारे कैबिनेट के अंदर आए, तो सबसे पहले हमारे सिस्टम के अंदर सबसे पहले कौन सी चीज़ एक्टिव हो जाती है, कौन सी चीज़ उठती है, जागती है? सबसे पहले हमारे कंप्यूटर में स्टार्ट होती है बूटिंग की प्रोसेस। बूटिंग का काम स्टार्ट हो जाता है, यानी कि बूट प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। बूट प्रोसेस का मतलब सिर्फ इतना सा होता है, जैसे आपका यहाँ पे जो काम करता है वो होता है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये आपका एक्टिव होता है। और बायोस जो होता है ये सबसे पहले, जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आई है, सबसे पहले बायोस होती है। और ये बायोस जो होता है ये खुद का एक टेस्ट करता है, सेल्फ टेस्ट। इस सेल्फ टेस्ट को कहते हैं डायग्नोस टेस्ट। डायग्नोस का मतलब होता है, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर डायग्नोस करता है, यानी कि हमसे पूछ के कि भाई क्या खाया था, क्या दिक्कत है, क्या है, तो डायग्नोस करता है, वो पहचानता है कि इसको बीमारी क्या है या कोई तकलीफ तो नहीं है। तो पहले ये बायोस डायग्नोस करता है, सेल्फ टेस्ट, खुद का टेस्ट। और इस सेल्फ टेस्ट में बेसिकली ये क्या करता है, जो भी आपका हार्डवेयर है और जो भी आपका सॉफ्टवेयर है, ये उसको चेक करता है कि क्या सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो हमारा सिस्टम ऑन हो जाता है, प्रॉब्लम निकल जाती है तो सिस्टम हमारा ऑन नहीं होता है। उसी को पहचानने के लिए ये बायो सेल्फ टेस्ट करता है। और जो सेल्फ टेस्ट करता है, उस टेस्ट का नाम HSSC ने पूछा था, कौन सा होता है? पोस्ट होता है। पोस्ट मतलब कि जब हमारे कंप्यूटर की पावर ऑन होती है तो एक सेल्फ टेस्ट किया जाता है, POST, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। फिर होगा, फिर आपकी पावर ऑन हो जाएगी कंप्यूटर की, फिर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे कंप्यूटर जो है, आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन जो है, फर्स्ट विजिबल स्क्रीन, ये भी पूछा गया था। पहली विजिबल स्क्रीन को क्या कहते हैं? तो पहली विजिबल स्क्रीन को कहते हैं डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप हमें दिखता है। अब उस डेस्कटॉप को दिखने से पहले जो भी आपकी ये बूट सेक्टर की जो फाइल्स हैं, ये फाइल्स कहाँ पे जाके स्टोर हो जाती हैं? ये आपकी स्टोर होती हैं रीड ओनली मेमोरी अंदर। और इसीलिए बूट सेक्टर की फाइल रोम के अंदर स्टोर होने की वजह से ही जब आपके सिस्टम की अनएक्सपेक्टेडली पावर ऑफ हो जाती है, तो भी हमारा डेटा इसके अंदर सेव रहता है, क्योंकि इसका कनेक्शन डायरेक्ट किसके साथ होता है? बूट सेक्टर के साथ होता है। अदरवाइज कंप्यूटर अगर बंद हो गया अचानक से और डेटा लॉस होना हमारा स्टार्ट हो गया, तो फिर हमारा कंप्यूटर भी खराब हो जाएगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट फाइल्स को रीड ओनली मेमोरी में ही रखा जाता है, जबकि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको हम रैम के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये हमारी जनरल प्रोसेस होती है कंप्यूटर के ऑन। तो आपकी रोम के अंदर हमारी बूट सेक्टर की जितनी भी फाइल्स होती हैं वो स्टोर हो जाती हैं। ठीक है, रैम तो पहले दिया, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, पावर डेटा लॉस जाता है। कैशे मेमोरी और रजिस्टर, रजिस्टर जो होते हैं ये स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट मेमोरी होती है। और रजिस्टर का टॉपिक भी आपका अभी एक दो दिन के बाद आएगा, तो रजिस्टर का टॉपिक भी पूरा करवाऊंगा कि आपका इनपुट रजिस्टर, आउटपुट रजिस्टर, आपका मेमोरी बफर रजिस्टर, आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, आपका प्रोग्राम काउंटर, आपका एक्यूमुलेटर, ये सभी हमारे रजिस्टर होते हैं। सभी का अलग अलग काम होता है, एक मेमोरी एड्रेस रजिस्टर भी होता है। क्या क्या इनका काम होता है ये सारी चीज़ें देखेंगे। और फिर हमारी कैशे मेमोरी होती है, दूसरे नंबर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी और स्मॉलेस्ट मेमोरी होती है रजिस्टर के बाद। तो पेपर में दोनों ऑप्शन में आ जाएं, कैशे मेमोरी और रजिस्टर, और क्वेश्चन हो कि कौन सी मेमोरी फास्ट और स्मॉल है तो रजिस्टर करोगे, रजिस्टर ना हो तो फिर आंसर आप कैशे मेमोरी कर दोगे। फिर कैशे मेमोरी के लेवल्स के बारे में पढ़ लेंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और कैसे ये CPU और रैम के बीच में काम करती है, क्या काम होता है, ये हम देख लेंगे अभी कल से जो अपनी क्लासेस स्टार्ट होंगी उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SAAS,
सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए स्टोरेज, सॉफ्टवेयर एज ए सैंपल या सॉफ्टवेयर एज ए स्टैम्प? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, आपका क्या आंसर है भाई? संजीव कुमार धन्यवाद भाई, थैंक यू सो मच। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यानी कि SaaS का मतलब, देखो हमारे पास ये जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, अगर वो पता लग जाए तो फिर हम इस क्वेश्चन को कभी नहीं भूलेंगे। हमारे पास होता है एक SaaS, एक हमारे पास होता है PaaS और एक हमारे पास होता है IaaS। ये तीन चीज़ें होती हैं। एक टॉपिक होता है जिसको हम क्लाउड कंप्यूटिंग के नाम से जानते हैं, HSSC या काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर अब क्लाउड कंप्यूटिंग के क्वेश्चंस जो हैं वो आना स्टार्ट हो गए हैं। या तो पूछेंगे कि प्राइवेट क्लाउड क्या होता है या पूछेंगे पब्लिक क्लाउड क्या होता है या साधारण सी डेफिनेशन दे देंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है। तो पता है आपको, सिंपल सी बात है, जब नॉर्मल हम डेटा स्टोर करने के लिए पेनड्राइव वगैरह का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी का यूज़ करते हैं, और जब हम हमारा डेटा स्टोर करने के लिए इंटरनेट की सहायता लें उसको क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जीमेल का एग्जांपल ले लो, जीमेल के ऊपर जितने भी हमारे मेल होते हैं, जितनी भी हमारी फ़ोटो फाइल PDF जो हमने शेयर की होती हैं, वो सारा का सारा जो हमारा डेटा होता है वो क्लाउड के ऊपर स्टोर होता है, गूगल के क्लाउड के ऊपर स्टोर होता है, जीमेल पे स्टोर होता है, वो हमारे फ़ोन में स्टोर नहीं होता है। इसका मतलब कि जीमेल पे जितनी भी चीज़ें हैं वो इंटरनेट की हेल्प से डेटा स्टोर कर रहा है, और जो गूगल का क्लाउड होता है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म जिसको हम, जिसने पूछा भी था एक बार GCP की फुल फॉर्म क्या होती है, तो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म इसकी फुल फॉर्म होती है, यानी गूगल कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाने वाला जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हमारा जीमेल का डेटा स्टोर होता है उसको कहते हैं, और यही क्लाउड कंप्यूटिंग होती है कि इंटरनेट की हेल्प से अगर हम डेटा स्टोर करते हैं। ऐसे ही मार्केट में अमेजन कंपनी है, उसका खुद का क्लाउड है जिसको हम AWS के नाम से जानते हैं, फुल फॉर्म होती है अमेजन वेब सर्विसेज। और ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का कौन सा क्लाउड प्लेटफॉर्म है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो क्लाउड है उसका नाम है Azure. फिर हमारे पास क्लाउड सर्विसेज में दो तरह के क्लाउड होते हैं, हमारे पास एक प्राइवेट क्लाउड होता है और एक पब्लिक क्लाउड प्लेटफॉर्म होता है। प्राइवेट क्लाउड का मतलब है कि ऐसी सर्विसेज या ऐसी चीज़ें जिसको हम हमारे पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, हमारा पैसा लगा होता है और हम ही उसको यूज़ करते हैं, हम किसी और के साथ शेयर नहीं करते हैं। पब्लिक का मतलब है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे जो सर्विसेज हैं उनको काफ़ी सारे लोग यूज़ कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, उसको कहते हैं पब्लिक क्लाउड। और इसी क्लाउड के अंदर जो भी ये कंपनीज हैं, अमेजन है, Azure है, गूगल है, ये जो कंपनीज हैं ये हमें कुछ सर्विसेज देती है। आप जब इनकी कंपनीज के पास जाके बोलोगे कि हमें आपकी क्लाउड सर्विसेज की सर्विसेज चाहिए, हमारा एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है, जैसे कि KTDT एक एप्लीकेशन है, तो हम आम में KTDT एप्लीकेशन बनवाना चाहते हैं, आप हमें हमारी क्लाउड, अपनी क्लाउड की सर्विसेज दे दो, तो ये आपको बोलेंगे कि हम आपको तीन सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे, SaaS, PaaS और IaaS। जब हम SaaS प्रोवाइड करवाएंगे तो हम आपको सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस देंगे, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस देंगे जो इसकी फुल फॉर्म है। जब हम आपको PaaS देंगे तो हम आपको प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस देंगे, और जब हम आपको IaaS प्रोवाइड करवाएंगे तो हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस देंगे, ये तीन सर्विसेज देंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का मतलब है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बना के वो दे देंगे, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है कि वो अपना प्लेटफॉर्म भी आपको दे देंगे कि आप हमारे ही प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी एप्लीकेशन को यूज कर लो। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में वो आपको नीचे वाली दोनों चीज़ें भी तो देंगे ही देंगे, साथ ही आपकी जो एप्लीकेशन आपको बनवानी है, जैसे KTDT या कोई एप्लीकेशन बनवानी है, उस एप्लीकेशन को भी वही लोग बना के आपको देंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, घर पे बैठ के कंप्यूटर पे अपना काम करना है।
तो ये कुछ सर्विसेज होती हैं जो क्लाउड कंपनीज के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, उसी के उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था SaaS की फुल फॉर्म क्या होती है, तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अब आ गया होगा समझ में कि SaaS क्या है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का मतलब क्या होता है। चलो आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे, सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है, क्या करने का, रिप्रेजेंट करना है, दर्शाना है, द एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है, जो कॉलम्स हमारे होते हैं या फिर जिनको हम फील्ड भी कहते हैं डेटाबेस के अंदर। एट्रीब्यूट्स, इन्हें लार्ज डेटाबेस, बहुत बड़ा डेटाबेस है, मान लो 20-30 गाँव का डेटाबेस है, 20-30 गाँव के लोगों को, लोग हैं हमारे पास और हजारों की संख्या में लोगों का डेटाबेस हमारे पास रेडी है और उस डेटाबेस को हमें संभालना है, रिप्रेजेंट करना है, कितने लोगों ने आधार कार्ड बनवाया है, कितने लोगों ने 10वीं पास की है, कितने लोगों के पास कितनी जमीन है, ये सारा डेटा हमें रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करने का, कॉलम्स को रिप्रेजेंट करने का या फिर फील्ड्स को रिप्रेजेंट करने का, डॉट रिप्रेजेंटेशन नहीं, कॉन्केटिनेशन नहीं और ऑल ऑफ द अबव तो है ही नहीं, तो रिलेशनल डेटाबेस ही सबसे बेस्ट तरीका है। और मैंने बताया था जो सबसे ज्यादा आजकल यूज हो रहा है डेटाबेस वो RDBMS है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल का मतलब है कि हम उस डेटाबेस को टेबल की फॉर्म में बनाएंगे और दर्शा देंगे, सबसे बेस्ट तरीका यही है। एक वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है टेक्स्ट को जोड़ना, टेक्स्ट को जोड़ना। एमएस एक्सेल के अंदर जो टेक्स्ट होता है, जैसे एक सेल में मैंने लिखा आई, एक में लिखा एम, एक में लिखा ए, तो इन तीनों को जोड़ के एक सेल के अंदर ही लिख देना, उसको कहते हैं कॉन्केटिनेशन। तो ये था आपका 57 नंबर क्वेश्चन। नंबर 58, विच ऑप्शन इनेबल अस टू सेंड सेम लेटर टू डिफरेंट पर्संस, अलग अलग लोगों के पास एक ही लेटर को हमें भेजना है। एक लेटर बना लिया, अब उस लेटर को अलग अलग लोगों के पास भेजना है, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट होता है? मैक्रोज का ऑप्शन होता है, टेम्पलेट होता है, मेल मर्ज होता है, या इनमें से कोई नहीं? बताओ जी क्या होता है। एक ही लेटर को एक से ज्यादा लोगों के पास, अलग अलग लोगों के पास भेजना है सेम लेटर को, तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका मेल मर्ज इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे अगर कोशिश करें एक बार ओपन करने की, तो थोड़ा सा दिखा भी देता हूं मैं, मेल मर्ज कहाँ होता है, कैसा होता है। ये हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करी और मेलिंग टैब के अंदर हम जाते हैं। मेल मर्ज के लिए मेलिंग टैग टैब होती है हमारे पास अलग से, उसके अंदर हम जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे होता है एनवेलोप्स का ऑप्शन, एनवेलोप्स पे क्लिक करके आप एनवेलोप बना सकते हैं, यानी कि आप जो भी आप लेटर भेज रहे हो उस लेटर का एड्रेस डालोगे पहले, तो कहाँ पे भेजना है, उसके बाद रिटर्न एड्रेस डाल सकते हैं हम। आपका जो एनवेलोप है वो दिखेगा कैसा वो डिसाइड कर सकते हो आप यहाँ से, और फिर आप इसको प्रिंट करके निकाल भी सकते हो या फिर ऑप्शंस पे जाके साइज वगैरह भी इसका यूज कर सकते हो, चेक कर सकते हो कुछ इस तरीके से। एनवेलोप होता है यानी कि लिफाफा जिसके अंदर हम डालेंगे, फिर हम लेबल्स भी वहां पे लगा सकते हैं अपने ईमेल पे, चिपकाना वगैरह है कुछ। फिर ऑप्शन होता है स्टार्ट मेल मर्ज, और स्टार्ट मेल मर्ज जब हम करते हैं तो हमारे पास चार मेन ऑप्शन आते हैं। हम लेटर्स भेज सकते हैं मेल मर्ज का यूज करके, ईमेल मैसेजेस भी भेज सकते हैं, एनवेलोप्स भी बना सकते हैं और लेबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं मेल मर्ज का यूज करके। साथ ही साथ हम डायरेक्टरी भी बना सकते हैं। डायरेक्टरी का मतलब है कि जहाँ पे हमारा सारा एक जगह पे इंफॉर्मेशन होती है, जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी होती है, ऐसे एक जगह पे सारी इंफॉर्मेशन। नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट को भी आप मेल मर्ज का यूज करके भेज सकते हैं किसी के पास भेजना है तो। और फिर ऑप्शन है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, आया तो नहीं, जैसे बताएगा कैसे कैसे भेजते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ गया व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट आर यू वर्किंग ऑन, हम मान लो हम लेटर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। सेंड लेटर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, यू कैन पर्सनलाइज द लेटर दैट ईच पर्सन रिसीव्स, क्लिक नेक्स्ट टू कंटिन्यू। उसके बाद हमारे पास आया कि आप कैसे सेटअप करना चाहते हो लेटर को,
इसी डॉक्यूमेंट का यूज़ करके करना चाहते हैं। फिर हमें रेसिपिएंट सेलेक्ट करने हैं, जिन जिन के पास हमें उसको भेजना है। रेसिपिएंट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, आपने अगर कोई बनाया होगा फाइल उसको डायरेक्ट आप अटैच कर सकते हो। बेसिकली मेल मर्ज या फिर इन सारी चीज़ों में जो चीज़ यूज़ होती है ना, उसको हम कहते हैं सीएसवी फाइल। सीएसवी का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, यानी कि एक्सेल फाइल। आप पहले अपनी एक एक्सेल फाइल बना लो, उस एक्सेल फाइल के अंदर आप अपने सारे ईमेल्स वगैरह जो भी एड्रेस हैं आपके वो सारे डाल लो, उसको आप डायरेक्ट वर्ड के साथ अटैच कर सकते हो भेजने के लिए, आपका डेटा वो भेजने के लिए। फिर हम लेटर राइट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एग्जिस्टिंग लिस्ट यूज करनी है, ठीक है। अच्छा, टाइप ए न्यू लिस्ट कर लेते हैं भाई, न्यू एंट्री। यहाँ पे हम, ठीक है, हमने बना दिया, ओके कर दिया, करना पड़ेगा, सेव भी कर दिया। ये हमारे पास बन के आ गई वो लिस्ट, इसको हमने ओके कर दिया। अब यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट हो गया, के बाद राइट करना है लेटर, रिसिपिएंट इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह, एड्रेस ब्लॉक, कंप्लीट मेल मर्ज, ओके। फिर इसको हम भेज सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है मेल मर्ज वो फंक्शन होता है जिसका यूज करके हम एक से ज्यादा लोगों तक लेटर भेजते हैं। अपने भेजने वालों की लिस्ट आप तैयार कर सकते हो, उनकी लिस्ट ऐड कर एडिट कर सकते हो, ग्रीटिंग्स वगैरह भेज सकते हो और एरर के लिए चेक कर सकते हो, और फिर आप फिनिश मेल मर्ज पे करके फिनिश कर सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, मेल मर्ज हमारे पास ऑप्शन होता है। मैक का मतलब अल्ट प्लस एफ एट, आपके भी की स्ट्रोक आप दबाओगे, जो भी बटन आप दबाओगे उन सभी को रिकॉर्ड करता है आपका मैक्रोस का ऑप्शन, ताकि टाइम बचे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा टाइम बचे और हम चीज़ों को यूज़ कर पाएँ। टेम्पलेट का मतलब होता है प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट। जैसे एमएस वर्ड टेम्पलेट, एमएस पावर पॉइंट टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब है कि जो पहले से बनी हुई हैं। देखो, जब हम वर्ड को ओपन करते हैं, ये देखो, ये सिंगल स्पेस्ड टेम्पलेट है, ब्लू ग्रे रिज्यूम की टेम्पलेट है, स्नैपशॉट कैलेंडर की टेम्पलेट है। इस रिज्यूम की टेम्पलेट के ऊपर मैंने क्लिक किया, और जैसे ही मैंने इस पे क्रिएट के ऊपर क्लिक किया, तो देखो चीज़ें मेरे पास पहले से बनी बनाई आ गई। अब मुझे क्या करना है, इसमें सिर्फ अपना एडिट करना है और मैं अपना रिज्यूम यहाँ पे बना सकता हूँ। यानी कि जो काम हमें करना है उस काम के लिए पहले से हमारे पास वो फाइल बनी बनाई है, उसका यूज़ करके फिर हम कर रहे हैं, उसको टेम्पलेट कहते हैं। ये टेम्पलेट होती है आपकी। तो क्वेश्चन नंबर 59, हाउ कैन यू अपडेट द वैल्यूज ऑफ फॉर्मूला सेल्स इफ ऑटो कैलकुलेट मोड ऑफ इज। अब इतना तो आपको सबको पता है कि एमएस एक्सेल में हम फॉर्मूलाज के ऊपर काम करते हैं, चाहे आप सम का फॉर्मूला हो, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, इफ, काउंट, एफ एल्स, कोई भी फॉर्मूला हो। अब या तो हम पहला काम करते हैं, सेल के अंदर कोई भी फॉर्मूला लगा देते हैं और फिर हमें रिजल्ट मिल जाता है। फिर एक ऑप्शन होता है ऑटो कैलकुलेटेड, अगर वो ऑन होता है तो एक्सेल अपने आप हमें कैलकुलेट करके रिजल्ट दे देता है, अगर वो ऑफ होता है तो हमें खुद से मैनुअली करना पड़ता है वो काम। अब कैसे हम अपडेट कर सकते हैं वैल्यू को, कौन सी वैल्यूज को, फॉर्मूला सेल्स के अंदर की वैल्यूज को अपडेट करना है, जबकि ऑटो कैलकुलेट मोड जो है हमारा वो बंद है, और कौन सी शॉर्टकट की का हम यूज करेंगे कि जो सेल्स के अंदर हमने फॉर्मूला लगाया है और उसके अंदर जो वैल्यूज हैं उनको हमें क्या करना है, अपडेट करना है। अपडेट करने का मतलब क्या होता है, पहले से कोई चीज होती है उसमें या तो कोई चीज जोड़ दें या कोई चीज घटा के नई चीज बनाएं, उसको हम अपडेशन कहते हैं। इसकी शॉर्टकट की रट्टा मार लो, F9 होती है, F9, सिंपल सी शॉर्टकट, तो फिर आप अपडेट कर सकते हो।
लेट्स यू क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन बाय सिलेक्टिंग रेडीमेड फॉन्ट कलर एंड ग्राफिक्स इफेक्ट। ऐसा क्या है इन चार ऑप्शंस में से जो आपको परमिशन देता है बनाने की एक नई प्रेजेंटेशन जिसमें आप सिलेक्ट कर रहे हो रेडीमेड फॉन्ट कलर और ग्राफिक इफेक्ट्स को? ये देखो भाई, इसका आंसर भी आप देखते ही दे दोगे। हम पावर पॉइंट ऑन करते हैं। अब पावर पॉइंट के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है ब्लैंक प्रेजेंटेशन का, जिसके अंदर सफेद कुछ नहीं होगा, सिंपल ओपन हो जाएगी। एक हमारे पास है पैंटर्न कलर की प्रेजेंटेशन, पीपीटी बनी बनाई है, और एक हमारे पास ज्योमेट्रिक कलर ब्लॉक। और मोर थीम्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारी थीम्स हमारे पास होती है जिनका यूज हम कर सकते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। अब फॉर एग्जांपल हमें बनी बनाई चाहिए, और हम मान लो किसका यूज करें, हम ये फुल फ्रूट वाली जो है ऑरेंज बर्स्ट, इसका यूज हम करना चाहते हैं और इसको हम बना लेते हैं, ओके कर देते हैं और ओपन करते हैं। तो अब हमारे पास बाय डिफॉल्ट पहले से कुछ चीजें आ गई हैं। इनका फॉन्ट का जो स्टाइल है वो हम डायरेक्ट यही यूज कर रहे हैं, नॉर्मल तो हम कुछ और लेते, इधर कलर वगैरह ये यूज कर रहे हैं। और अब न्यू स्लाइड करेंगे तो देखो यहाँ पे अलग तरीके से बीच में ब्लू आ गया, तो थोड़ा सा अलग चीजें हमें दिख रही हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सी चीज है हमें जो अलाउ करती है बनाने के लिए प्रेजेंटेशन सिलेक्ट करना है रेडीमेड फॉन्ट कलर, पहले से बना हुआ फॉन्ट कलर। ये रेडीमेड फॉन्ट कलर वगैरह है सारे, इनका कलर पहले से, इनका यहाँ पे ऑरेंज आ गया, इधर ये व्हाइट कलर के फॉन्ट है, इसके अंदर यहाँ ऑरेंज कलर के फॉन्ट है, ये व्हाइट कलर के फॉन्ट है, ये रेडीमेड है, पहले से बने हुए हैं। और ग्राफिक्स इफेक्ट, ये ग्राफिक इफेक्ट भी आपको दिख रहे हैं, ये लाइन वगैरह लगी हुई है, ये सारे के सारे क्या हैं, इफेक्ट्स हैं। इनका यूज हमने कहाँ पे किया है, रेडीमेड, ये क्या है, अभी अभी बताई थी, वर्ड में भी थी, पावर पॉइंट में भी थी, टेम्पलेट, टेम्पलेट आंसर हो जाएगा हमारा, डिजाइन टेम्पलेट हो गया या प्रेजेंटेशन टेम्पलेट। तो सही आंसर तो प्रेजेंटेशन टेम्पलेट ज्यादा सही रहेगा। डिजाइन टेम्पलेट तो हो गई कि स्पेशल कोई डिजाइन की कोई टेम्पलेट है अलग से, बट प्रेजेंटेशन टेम्पलेट इसका सही आंसर हो गया। ना मास्टर स्लाइड होगा, ना एनिमेशन स्कीम होगा, ना डिजाइन टेम्पलेट होगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अपने जो अलग से अपना चैनल है, अगर आपको डिटेल में बहुत ही ज्यादा गहराई से प्रोग्रामिंग वगैरह भी सीखनी है, बैंकिंग वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, या पीजीटी एचटेट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिनिशर सीएस एंड आईटी आप सर्च कर सकते हैं, उस पर आप अलग से पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना है तो कंप्यूटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीडीओएस? तो डीडीओएस जो होता है दोस्तों, एक मैलिशियस अटैक होता है, यानी कि ऐसा अटैक इंटरनेट की दुनिया में जो आपकी मान लो एप्लीकेशन है खुद की कोई, और आपकी अगर जैसे अभी हरियाणा के अंदर एक चैनल है, काफ़ी बड़ा चैनल था, वो हैक हो गया, वो डिलीट हो गया, तो उसको हम डीडीओएस अटैक भी कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज, ऑप्शन नंबर बी। अटैक या डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक जो होता है वो आपका सॉफ्टवेयर, आपके प्लेटफॉर्म को खराब करने के लिए उसका यूज किया जाता है, ऐसे अटैक्स किए जाते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंट ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज। हमारे पास अगर कोई डेटा है और उस डेटा को हम पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, फोटोज के माध्यम से डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, और ऑब्जेक्ट्स या इमेज या स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ऑब्जेक्ट्स, ऐसी चीजों के माध्यम से हम डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उसको क्या कहते हैं, पिक्टोरियल, पिक्चर की फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करना। एल्गोरिदम होता है, प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर होता है, या फ्लो चार्ट होता है। तो हमारे पास सबसे पहले होता है, डेटा होता है, और वो डेटा जो है उसको जब हम ऑर्गेनाइज्ड अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो बन जाता है इंफॉर्मेशन।
अब उसी इंफॉर्मेशन हमें वो इंफॉर्मेशन है और टास्क को पूरा करने के लिए हम कुछ इंस्ट्रक्शंस का यूज करेंगे, कुछ निर्देश लिखेंगे जिससे कि हमारा वो काम पूरा हो सके। मान लो काम हमें दे दिया मैगी बनाने का, मैगी बनानी है तो हम लिखेंगे एक पैन चाहिए, पानी चाहिए, मैगी चाहिए, मसाला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हम लिखेंगे। अब ये इंस्ट्रक्शंस हमने नॉर्मल भाषा में लिखे हैं, इन्हीं इंस्ट्रक्शंस या इन्हीं निर्देशों को, इसी डेटा को पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको कहा जाता है फ्लो चार्ट। और जो ये इंस्ट्रक्शंस हमने लिखे इसको कहते हैं एल्गोरिदम बनाना, कि हमने एल्गोरिदम लिख दिया है भाई, फलानी फलानी जो प्रॉब्लम थी उसका एल्गोरिदम लिख दिया है। अब एल्गोरिदम लिखने के बाद, बनाने के बाद, हमें उस एल्गोरिदम को लोगों को समझाना है तो हम पिक्चर्स की हेल्प ले लेंगे, इमेजेस की हेल्प ले लेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट कहते हैं। फ्लो चार्ट में काफ़ी सारी चीज़ें यूज होती हैं, जैसे एक स्क्वायर यूज होता है, रेक्टेंगल यूज होता है, पैरेललोग्राम यूज होता है, सर्कल यूज होता है, एरो का निशान यूज होता है, ये सारी चीज़ें इसमें यूज। जैसे कोई भी प्रोग्राम होता है उसके अंदर हमारे पास एक इनपुट भी होता है, शुरू में हम इनपुट दे देते हैं, फिर हमारा बीच में एक प्रोसेसिंग भी होता है, प्रोसेसिंग के बाद या तो रिजल्ट हमें ट्रू मिलेगा या रिजल्ट हमें फॉल्स मिलेगा। ट्रू रिजल्ट है तो हमने इधर रख दिया रिजल्ट को, फॉल्स रिजल्ट है तो हमने इधर रख दिया। मतलब पिक्चर की हमें बस समझाना है कि हमें क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, उसको हम कहते हैं ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा। ये था मॉक टेस्ट नंबर 10 का सॉल्यूशन। आई होप सबको समझ में आ गया होगा और सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। एक्स्ट्रा चीजें जो बताई जाती हैं क्लास में उनको जरूर नोट डाउन किया कीजिए, उन्हीं में से आपको पेपर में देखने को मिलेंगे सवाल, डायरेक्ट हो सकता है ना भी आपको देखने को मिले, लेकिन इनके अंदर से जो चीजें निकलती हैं एल्गोरिदम, इंस्ट्रक्शंस और ये सारी चीजें ही आप, जैसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमारा क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है सेट, जब वो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन से मिल जाते हैं उसको वो मिलके क्या बनाते हैं, एक प्रोग्राम हमारा बनाते हैं। उस प्रोग्राम को मान लो आप प्रोग्राम लिख रहे हो और उस फिर उस प्रोग्राम को रन करना होता है, और रन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, F5 होती है, ये भी पूछा गया था एक बार। तो इस तरीके से जो है चीज़ों को सीखिए, बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए, और कल 2 बजे से आपकी मैराथन क्लास स्टार्ट हो रही है जो लगातार आपके ग्राम से जो पटवारी कैनाल पटवारी के एग्जाम तक चलेगी। वो कुरु क्लासेस पे भी आपको मिलेगी क्लास, फिनिशर सीएसएन आईटी पे भी मिलेगी, तो जहां आपका मन करे वहां आप देख सकते हैं और बेहतर अपनी तैयारी को कर सकते हैं, सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, और कल मिलते हैं फिर क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।